देखिए गाइस, आज हमने बनाए हैं टोंडा मोदक और टोंडा बर्फी। तो इतना यम्मी, इतना इंटरेस्टिंग है। ये हमने दलिया से बनाया है, आप लोग देखकर कह नहीं सकते कि हमने दलिया से बनाया है। तो इस रेसिपी को देखने के लिए हमारी रेसिपी पूरी देखें। और ये इतना हेल्दी, इतनी हेल्दी, इतनी टेस्टी मिठाई है कि बच्चे दलिया वगैरह नहीं खाते हैं तो वो बहुत अच्छे ढंग से खाएंगे, मांग मांग कर खाएंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपी। एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, ये हमारा भैंस का दूध है, फुल क्रीम मिल्क है। तो आज एक बहुत सुंदर सी हम मिठाई बनाएंगे, तो उसको रखेंगे अलग। और एक इंग्रेडिएंट दिखाते हैं, ये देखिए हम इस दलिया से आज बनाएंगे। ठीक है, इस दलिया को हमने वॉश करके थोड़ा सा भिगो के रख दिया था जिससे कि यह फूल जाए। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे अलग साइड में और अपने दूध को चढ़ाएंगे फ्लेम पर। ये देखिए गाइस, ये दूध को हमने चढ़ा दिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पानी लोगे तो उतना जलाना पड़ेगा, इसलिए पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला है। इसको हम अब बॉयल करेंगे। देखिए गाइस, हमारा कच्चा दूध है, तो इसको हम चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो जब तक उबाल आएगा तब तक हम इसको ऐसे चला लेंगे। उबाल लाने के बाद छोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो चलाएंगे नहीं ना तो ये तली हुई चिपक जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए गाइस, हमने अच्छे से बॉयल आ गया है। और ये भीगे हुए दलिया को हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, इसमें डाल देंगे। ठीक है, अच्छे से ये दलिया भिगोने से ये होता है कि हमारी दलिया जल्दी से पक जाती, फूल जाती है, तो इस दूध में डालने से जल्दी से हमारी पक जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम इतना पकाएंगे ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। ठीक है, पका लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, अब इसको हम चलाते हुए आराम से पकाएंगे। अब बीच बीच में अब हम अपना अगर दूसरा काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको पकने देंगे, अब ये लगेगा भी नहीं। ठीक है, इस तरह से एक बार बॉयल आ जाए फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, इसमें बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो जितनी हमने दलिया ली थी उतनी ही क्वांटिटी में हमने चीनी ली है, इसको भी ऐड कर देंगे। आप थोड़ा सा कम और ज्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ज्यादा कम भी नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि दलिया है हमारी। तो अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे चलाते हुए। ठीक है, ये अब इसको हम छोड़ देंगे, अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, बीच बीच में इसको हम हिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे और अपना दूसरा भी काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे इधर साइड में जो चिपक जाती है उसको स्क्रेप करते हुए आप इसी में शामिल करते हैं। तो चलिए पका लेते हैं। जब इस तरह से गाढ़ा हो जाए हमारा, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वरना नीचे तली में चिपक सकता है। अब हम इसे चलाते हुए इसको पकाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट हमको ऐड करने हैं, जैसे कि हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। तो हम अपनी फ्लेम को करेंगे धीमा और इसमें ऐड करेंगे कलर और घी। ठीक है, तो इसको हमने धीमा कर दिया है और अब हम देखिए कलर ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, हम डालेंगे फूड कलर रेड। आप को जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं, थोड़ा सा ही हम ऐड करेंगे, बिल्कुल दो पिंच। एक बात और गाइस, इस तरह से मिठाई बच्चे जब दलिया वगैरह नहीं खाते हैं तो हम ऐसे बना के दे सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के शरीर में अन्न भी जाता है और उनको टेस्टी भी लगता है। तो ये देखिए कलर हम ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मिक्स करते हुए पकाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस समय पर अगर हम मिक्स करेंगे ना कलर, तो जो दलिया हमारी इसके अंदर पक रही है उसके दाने में भी कलर ऐड होगा। ठीक है, तो इस तरह से चलिए अब इसमें हम घी ऐड करते हैं। ये देखिए गाइस, अब इसमें हम डालेंगे 4 स्पून घी। ठीक है, वैसे तो घी हमारा है बट फिर भी हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे ज्यादा, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं और गणेश चतुर्थी के लिए इसलिए। और अब अच्छे से इसको घी को भी हम इसमें मेल्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और अब फिर हम अपनी आंच को मीडियम कर लेंगे और इसको पकाएंगे जिससे कि घी और सब मिक्सचर
मिल जाए। एक बात और गाइस, अगर आप कलर इस समय नहीं मिलाएंगे अगर, तो आप जब जैसे आप सोचते हैं कि हम थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लें फिर कलर मिलाएं, ठीक है, तो ऐसा होगा। ये देखिए कहीं कहीं पर ऐसा हो जाएगा और ज्यादा रेड हो जाएगा, या जो भी कलर आप ऐड करते हैं तो कहीं कहीं पर वो हो जाएगा, ज्यादा कलर हो जाएगा, कहीं कहीं पर कम हो जाएगा। और हमने इस टाइम पर ऐड किया हुआ है, पकाना है तो हम अच्छे से पकाएंगे इसको और ये मिक्स हो जाएगा कलर सारा, ठीक है। और जब अगर हम गाढ़ा होने पर मिलाते हैं ना तो कलर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, तो इसको अब हम छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं और अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए गाइस, इस समय पर हमारा सब पक चुका है। जो भी ड्राई फ्रूट आपको डालने हैं वो डाल सकते हैं। ये देखिए हमने लिया हुआ है अपना किशमिश, क्योंकि आपको हम हर वीडियो में पहले भी बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि हमारे बच्चों को किशमिश बहुत पसंद है, तो इस वजह से हम डालेंगे कुछ किशमिश और इलायची के दाने। देखिए आप इसका पाउडर डालना चाहें तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, बट हमें इलायची के दाने बहुत अच्छे लगते हैं जो दांत में आते हैं इस वजह से। तो अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे, बिल्कुल डो फॉर्म में ले आएंगे, तब तक इसको अब हम पकाएंगे, ठीक है, मिक्स करते हुए। और देखिए आप देख रहे होंगे कि घी जितना था वो सारा बैटर ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए गाइस हमारा ये ठीक हो चुका है, ठीक है, इतना ही ठीक हमें चाहिए। एक और हम इंडिकेशन आपको बताते हैं कि आप एक प्लेट में ऐसे एक ड्रॉप डालकर देख लीजिए, ठीक है, इसे आप ठंडा करिए, ठंडा करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाइस हमने ठंडा किया और ठंडा करने के बाद ऐसे हम अपनी उंगलियों पर ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए बॉल सी बन रही है आराम से, ठीक है, बॉल सी बन रही है और ये चिपक नहीं रही है उंगलियों में, ठीक है, तो इसका इंडिकेशन है कि हमारी ये बन गई है। तो देखिए गाइस अब हम अपनी फ्लेम बंद करेंगे और इसको बिल्कुल ठंडा कर देंगे, बिल्कुल नहीं लेकिन हाँ इतना ठंडा करेंगे कि हम अपने हाथ से इसको टच कर सके। तो ये हमने बंद किया फ्लेम को और हम इसे बर्फी भी बनाना बताएंगे, क्योंकि वो होती है टोंडर बर्फी, ठीक है, इसी तरह से टोंडर बर्फी भी बनती है और उसी टोंडर बर्फी से ही हम बनाएंगे मोदक, ठीक है, तो दलिया के मोदक। तो चलिए ग्रीस करते हैं प्लेट। ठीक है गाइस, इसी तरह से एक थाली ले लेंगे और इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी और इसको ग्रीस करेंगे। देखिए गाइस इस तरह से हमने लगा लिया है, आप अपनी हाफ हाफ बैटर है वो हम इसमें जमा देंगे, ठीक है, और हाफ के हम बनाएंगे मोदक इस तरह से। और देखिए ओवर कुक अगर करेंगे तो आपके मोदक और बर्फी जो होती है वो टाइट जमेगी। ये देखिए अब इसको हम गर्म है, चलिए एक कटोरी लेते हैं उस पर लगाएंगे पीछे घी और इसको फ्लैट करेंगे। ये देखिए कटोरी ले ली गई और हम ऐसे ऐसे करके इसको बराबर कर लेंगे लेवल में। देखिए गाइस लेबल कर दिया है और इसको हमने बढ़िया से जमा दिया है। अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तब हम इसको छुएंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस ऊपर से थोड़ा सा 2 स्पून हमने ऐड किया हुआ है डेसिकेटेड नारियल, आपकी इच्छा हो तो आप ऐड कर दें, नहीं इच्छा हो तो मत ऐड करें, ठीक है, हमारा थोड़ा सा मन हो गया कि हम इसको ऐड कर दें, ठीक है, इसको ऐसे से मिला देते हैं। ये देखिए गाइस ठंडा हो चुका है तो इसको अब हम ऐसे बनाएंगे मोदक के रूप में। अभी इतना ठंडा है कि आप हाथ से छू सकते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, ठीक है, तो इसको अब हम ऐसे करते हुए और एक मोदक का शेप देंगे इस तरह से। ये देखिए देखिए कितना अच्छा मोदक लग रहा है, तो इसको साइड में एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए गाइस उसी तरह से और दूसरे भी बनाएंगे, तो बॉल बनाई और ऐसे बना लिए, बता दिया बना लिया इस तरह से। ये देखिए बन गया, तो इसी तरह से सारे बना लेंगे। हमें तो लग रहा है ऊपर से तो परत ठंडी लग रही है लेकिन अभी गर्म है, तो इसके हम इसको कट के निशान देंगे, ठीक है। देखिए ये दलिया से बनी हुई है, थोड़ा सा चिपचिपी तो रहेगी, ठीक है, तो इस वजह से इस तरह से हम कट करते हैं। ये देखिए गाइस साइड का हमने कट करके निकाल दिया है, तो ये हो गया, तो इसके हम बना लेंगे मोदक अपने, ठीक है, और ये बर्फी हमारी देख लीजिए, थोड़ा सा ठंडी हो जाए फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस बन चुका है हमारा,
टोंडा मोदक और टोंडा बर्फी। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने थोड़ा सा देसी कहते नारियल ले लिया है और इसको हम अपना इसमें लपेट देंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा डेकोरेट करना है। ये देखिए इस तरह से, तो इनको अब गार्निश करते हैं इस तरह से। ये देखिए गाइस, बनकर तैयार है टोंडर मोदक और टोंडा बर्फी। और ये देखिए, हम आपको एक तोड़ के भी दिखाते हैं। ये प्लेन हमने ऐसे बनाई थी, ये आपको दिखाई है। तो देखा, इतना यम्मी है और इतना मुंह में घुलने वाली है, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।